नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चला है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या की तैयारी जोरों में चल रही है। कई सारे शिव सैनिक मुंबई से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। कल आखिर अयोध्या पहुंचकर आदित्य ठाकरे किन किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं और वहां से वो कैसे विरोधियों पर निशाना साधने वाले हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे कल अयोध्या पहुंचेंगे। यहां वो रामलला का दर्शन करेंगे। बता दें कि आदित्य ठाकरे के अयोध्या आगमन से पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय राउत अयोध्या पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मीडिया से अब तक कोई बातचीत नहीं की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे 15 जून को धर्मनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। यहां वो दर्शन और पूजन करेंगे। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे इसके बाद शाम 7:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आदित्य ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय राउत अयोध्या पहुंच चुके हैं और उन्होंने उन स्थानों का निरीक्षण किया है जहां पर आदित्य ठाकरे के जाने का कार्यक्रम है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या आगमन कार्यक्रम को लेकर जो सूचना महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को दी गई है, उसमें सुबह 11 बजे लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे के आगमन की सूचना है। इसके बाद 1:30 बजे वो अयोध्या के होटल पंचशील पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 पर पत्रकारों से बातचीत करेंगे और शाम 4:45 बजे शहर के रामनगर क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। शाम 5:30 बजे रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे माँ सरयू की आरती और दुग्ध अभिषेक करेंगे। अयोध्या के सभी कार्यक्रम को पूरा कर वो सड़क मार्ग के जरिए लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का आज 54वां जन्मदिन है, लेकिन आज के दिन एक बार फिर राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। इस वारंट के तहत राज ठाकरे को शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। आइए इस रिपोर्ट की जरिए जानते हैं कि आखिर राज ठाकरे को किस मामले में ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। शिराला अदालत द्वारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद इस्लामपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें राज ठाकरे की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और उन्हें जमानत देने की मांग की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। राज ठाकरे की तरफ से एडवोकेट विजय खरात, एडवोकेट ईश कदम, एडवोकेट आनंद चौहान ने कोर्ट में तर्क किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, उन्हें मामले से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे वर्तमान में कोरोना रोग से पीड़ित है और उनके पैर की सर्जरी होगी, इसलिए वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने भी जनहित में आंदोलन के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जाए और राज ठाकरे को जमानत दी जाए। दूसरी ओर सरकारी वकील एडवोकेट रंजीत पाटिल के मुताबिक यह मामला काफी पुराना है और इसे निपटाने की जरूरत है। क्योंकि राज ठाकरे सुनवाई में मौजूद नहीं है, इसलिए यह मामला लगातार आगे बढ़ रहा है। जब तक वह उपस्थित नहीं होंगे ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उनके खिलाफ निकाला गया वारंट योग्य है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई में हर मानसून में जलजमाव की स्थिति देखने को मिलती है। हमेशा ही मुंबईकरों को जलजमाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब फ्लड अलर्ट सेंसर से कहीं ना कहीं मुंबईकरों को कुछ पैमाने पर राहत मिल सकती है। इस पर बीएमसी काम कर रही है और जल्द ही ये डिवाइस लगा भी दी जाएगी। पिछले कई दिनों से मुंबईकरों को मानसून का इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। इसके साथ ही लोगों को मानसून के साथ साथ बाढ़ का डर भी सताने लगा है। मुंबई कल्याण और डोंबिवली महानगर पालिका ने इसको देखते हुए अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही तैयारियां कर ली। कल्याण से डोंबिवली नगर निगम ने शहर के कुछ स्थानों पर बाढ़ सेंसर स्थापित करके सराहनीय कदम उठाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस साल उठाए गए कदम से नगर निकाय को मदद मिलेगी, जिससे सेंसर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। सेंसर मिलने पर संबंधित टीमों द्वारा क्षेत्र में नागरिकों की मदद के लिए जरूरी कार्य किए जाएंगे। नगर निगम ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। सेंसर युक्त होने से बाढ़ संबंधी तैयारियां करने के लिए समय मिल जाएगा। केडीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि साल 2019 और 2021 में हमने जुड़वा शहरों के विभिन्न हिस्सों में
बड़ी बाढ़ दिखी। इसने एक चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने अनिवार्य बना दिया। ये सेंसर तुरंत काम कर देंगे और समय रहते लोगों को अलर्ट करेंगे। पहले वार्ड स्तर के अधिकारी ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पर नजर रखते थे और निवासियों को सूचना देते थे। अब ये सेंसर पानी के स्तर के आधार पर बाढ़ से पहले ही काम करेंगे और फिर अलर्ट भेज देंगे। सेंसर नदी के जल स्तर की जाँच अनवरत करते रहेंगे। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता रहेगा, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम को नियमित रूप से अलर्ट भेजता रहेगा। नगर निगम बाढ़ से निपटने को तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि बाढ़ ने KDMC में कई क्षेत्रों में नागरिकों को प्रभावित किया और अधिकारियों को सुयोग नगर, शास्त्री नगर, चौल, वरब, शाहबाद, कम्बा और महराल गांव, कम्बा गांव आदि में बचाव अभियान चलाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबईकर अपना समय बचाने के लिए तरह तरह का उपयोग करते हैं। जब से मुंबईकरों को लोकल के लिए ऑनलाइन टिकट का विकल्प मिला है, तब से ही कहीं ना कहीं हजारों यात्री इसी को चुनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अब टिकट खिड़की पर खड़े होने के बजाय मुंबईकर UTS ऐप का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। मुंबई में भागती हुई जिंदगी में टाइम बचाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मुंबई नाइट सिटी है, जहां रात को भी मुंबई और मुंबईकर नहीं रुकते हैं। मुंबई में टाइम का मतलब तो पैसा होता है, ये सभी मुंबईकर अच्छे से जानते हैं। ऐसे में लोकल यात्री खिड़की से हटकर सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर डट गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकल का टिकट लेने के लिए टिकट खिड़कियों पर लगने वाली कतार रेल यात्रियों का कीमती समय जाया करती है। ऐसे में अब समय की बचत करने के लिए लोकल यात्रियों का रुझान ऑनलाइन मोबाइल टिकट की ओर ज्यादा दिखाई देने लगा है। रेलवे से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल टिकट बुकिंग में 9.45% का उछाल दर्ज किया गया, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना का भविष्य उज्जवल होने का संकेत है। यात्रियों द्वारा मिल रहे इस रुझान का रेलवे भी स्वागत कर रही है। खासकर MCMC योजना के पाइपलाइन में होने से रेलवे विशेष कर लोकल ट्रेन के लिए इस कार्ड को अपग्रेड कर रही है। MCMC का इस्तेमाल लोकल, बेस्ट, बस सहित अन्य सार्वजनिक यातायात सेवा के लिए किया जा सकता है। रेलवे के अधिकारियों का मानना है यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा ही भविष्य है और यात्रियों की बढ़ रही दिलचस्पी एक अच्छा संकेत है। रेलवे से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो इसी साल जनवरी में 6.67 लाख टिकट UTS ऐप से बुक किए गए थे, जिस पर 47.14 लाख यात्रियों ने सफर किया। इसी तरह वर्तमान में रोजाना औसत 54,634 टिकट UTS द्वारा बुक किए जाते हैं, जिस पर औसतन 3 लाख यात्री सफर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई में इस बार 22 बार हाई टाइड आएंगे। उनमें से 6 बार जो हाई टाइड आने वाले हैं, वो इसी हफ्ते आने वाले हैं। 16 जून यानी परसों ये एक हाई टाइड आने वाला है जो सबसे ऊंचा होगा। इस रिपोर्ट में जानिए कि मुंबई में कितने दिन और कब हाई टाइड आएंगे। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। यहाँ बारिश का मजा लेने के लिए अब दूर दूर से टूरिस्ट नजर आते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस मॉनसून में अरब सागर में 22 बार हाई टाइड में से 6 अकेले इसी हफ्ते आने वाले हैं। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के मुताबिक ये हाई टाइड लगभग 4.5 मीटर ऊंचे होंगे। साथ ही विभाग का कहना है कि अगर मुंबई में तेज बारिश होती है तो शहर में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो हाई टाइड का लुत्फ उठाने के लिए समुद्र किनारे इकट्ठा हो जाते हैं और जब समुद्र की ऊंची लहरें उनसे टकराती है तो वो पल देखने लायक होता है। अब एहतियात के तौर पर BMC की ओर से शहर के 6 समुद्र तटों पर पहले ही कर्मियों को तैनात किया जा चुका है। शहर में 186 स्ट्रॉन्ग वाटर आउटलेट है, उनमें से 45 समुद्र तल के नीचे हैं और 135 ऊंच हाई टाइड के स्तर पर है, यानी सिर्फ 6 ऊंच स्तर पर है। आपको बता दें कि 14 जून को यानी आज रात 11:08 पर 4.77 मीटर का हाई टाइड आएगा। उसके साथ ही कल 1:15 के करीब 4.86 मीटर का हाई टाइड होगा। इसके साथ ही 16 जून को दोपहर 1:35 पर 4.87 मीटर का हाई टाइड हो सकता है। वहीं 17 जून को दोपहर 2:25 पर 4.80 मीटर का हाई टाइड होगा। 18 जून को भी दोपहर 3:16 पर 4.66 मीटर का हाई टाइड का अनुमान जताया गया है। BMC के हाई टाइड शेड्यूल के मुताबिक जून और जुलाई में 6 दिन और अगस्त और सितंबर में 5-5 दिन हाई टाइड आने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा हाई टाइड गुरुवार यानी परसों आएगा, जिसकी ऊंचाई 4.87 मीटर होगी। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार से समुद्र तटों पर 2 पालियों में लाइफ गार्ड तैनात किए जाएंगे। हालांकि पूरे सप्ताह भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है।
हैं भेड़तोड़ मेट्रो। मनपा ने बोरीवली में एक नया फ्लाईओवर तैयार किया है। इस फ्लाईओवर से कहीं ना कहीं मुंबईकरों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा, लेकिन अब इस फ्लाईओवर के नाम पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां भाजपा मांग कर रही है कि ये फ्लाईओवर हमारे दिवंगत CDS विपिन रावत के नाम पर रखा जाए। अब इस फ्लाईओवर पर सियासत कहां जाकर रुकती है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई के बोरीवली में एक फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है, वही इस नव निर्मित फ्लाईओवर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। दरअसल भाजपा ने मांग की है कि नए फ्लाईओवर का नाम दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के नाम पर रखा जाए। सोमवार को भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलारसु से मुलाकात की और उन्हें भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा लिखित एक पत्र सौंपा, जिसमें फ्लाईओवर का नाम रावत के नाम पर रखने के लिए कहा गया है। भाजपा प्रवक्ता भालचंद्र शिरसात ने सोमवार को कहा कि इस फ्लाईओवर के काम पर सबसे पहले सिफारिश की गई और इसके बाद सांसद गोपाल शेट्टी ने काम किया। अब जब ये पूरा हो गया है तो सांसद गोपाल शेट्टी ने मांग की है कि इसे तत्काल यातायात के लिए खोला जाए। आने वाले बरसात के मौसम में इस फ्लाईओवर से यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। वहीं शेट्टी ने मांग की है कि फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ आमंत्रित किया जाए। बता दें कि फ्लाईओवर से RM भट्टद मार्ग और SV रोड जंक्शन के बीच ट्रैफिक का फ्लो आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के नामचीन अस्पताल कूपर हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां उन्होंने एक महिला के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी गलती कर दी कि उस महिला की आंखें ही चली गई। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के जुहू स्थित RN कूपर अस्पताल के खिलाफ सोमवार को एक शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल 58 साल की एक महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वहीं चिकित्सीय लापरवाही के आरोप में जुहू थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि अस्पताल ने आरोपों को खारिज कर दिया। पिछले हफ्ते महिला मरीज की बाईं आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। आरोपों के अनुसार अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की आंख की रोशनी चली गई। इस बीच अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है और सर्जरी के बाद महिला की आंख की रोशनी जाने के लिए अन्य चिकित्सा कारणों का हवाला दिया। अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि महिला को कई अन्य समस्याएं थी, हालांकि मरीज की प्राइवेसी के चलते कुछ ज्यादा डिटेल्स वो नहीं बता पाए। वर्तमान में अस्पताल में मेडिकल केयर में है। वहीं अस्पताल के डीन डॉक्टर शैलेश मोहिते ने कहा कि अस्पताल डेली बेसिस पर 5 से 10 से ज्यादा मोतियाबिंद सर्जरी करता है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी डॉक्टरों को दैनिक आधार पर इस तरह की सर्जरी करने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसीलिए चिकित्सा लापरवाही के आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। अस्पताल ने मामले की आंतरिक जांच भी की है और डॉक्टर की सभी नोटों और दस्तावेजों को क्रॉस चेक किया है। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र झोटिंगे के साथ रिप्ले सिंह की रिपोर्ट। मुंबई की ट्रैफिक कैसी होती है ये सब जानते हैं। ऐसे में मुंबई की ट्रैफिक से बचने के लिए वरुण धवन और कियारा अडवाणी ने मेट्रो में सफर किया है। मेट्रो में सफर के दौरान उन्हें कैसा लगा और उसकी तस्वीरें वीडियोस कैसी थी, वो हमारे पास आई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे उन्होंने मुंबई के मेट्रो में सफर किया। मुंबई की ट्रैफिक से वरुण धवन, कियारा अडवाणी और अनिल कपूर इतनी तंग आ गए कि उन्होंने मेट्रो से सफर किया। एक्टर वरुण धवन, कियारा अडवाणी और अनिल कपूर की फिल्म जुग जुग जियो इस महीने 24 जून को रिलीज होने वाली है। ऐसे में जुग जुग जियो की पूरी टीम ने जमकर प्रमोशन करना शुरू कर दिया है। फिल्म की टीम ने समय बचाने और ट्रैफिक से बचने का नया तोड़ निकाला। जी हाँ, वरुण धवन समेत जुग जुग जियो की पूरी टीम अपनी लग्जरी कारों को छोड़ मेट्रो की सवारी करती नजर आई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर मुंबई के ट्रैफिक से टीम ने बचने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर मेट्रो की सवारी करते वरुण धवन और कियारा की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। सभी मेट्रो में सफर करते हैं और एक वीडियो में तो कियारा और वरुण धवन बड़ा पाव भी खाते नजर आ रहे हैं। जुग जुग जियो की टीम ने मुंबई ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया। बता दें कि जुग जुग जियो को गुड न्यूज वाले राज मेहता ने डायरेक्ट किया है। धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म में फैंस फैमिली रियूनियन, रोमांस, प्यार और ड्रामा देखने मिलेगा। ये फिल्म 24 जून को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ट्रैफिक पुलिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले सड़कें आती होंगी, लेकिन मुंबई ट्रैफिक रेलवे का नाम भी है, जहां मुंबई ट्रैफिक रेलवे कहीं ना कहीं टर्मिनस के बाहर खड़ी रहती है और वहां पर आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ट्रैफिक पुलिस देश भर में तैनात होते हैं,
जब भी हमारे सामने ट्रैफिक पुलिस का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सड़कें आती होंगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब रेलवे में भी ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना। जीआरपी के इंस्पेक्टर प्रदीप खेड़कर के मुताबिक रेलवे के ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म भी मुंबई ट्रैफिक पुलिस की तरह ही होगा। इनके कैप पर मुंबई रेलवे लिखा भी दिखाई देगा। खेड़के के मुताबिक मुंबई के आसपास वाले टर्मिनस, वहां रेलवे ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी। रेलवे की ट्रैफिक यूनिट में कुल 62 लोगों की भर्ती हुई है, जिनमें 59 सिपाही हैं। वहीं आपको बता दें कि बाकी 3 में से 1 इंस्पेक्टर हैं और 2 सब इंस्पेक्टर रखे गए हैं। सभी को दिन रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये सभी मुंबई के CSMT, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, कुर्ला टर्मिनस के बाहर तैनात रहेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक मेल गाड़ियों से आए या उससे जाने वाले यात्रियों की वजह से टर्मिनस के बाहर टैक्सी ऑटो उतर आते हैं, जिससे कई बार टर्मिनस के बाहर ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार वहां विवाद भी बढ़ जाता है। इन सब को रोकने के लिए इन टर्मिनस के बाहर मुंबई रेलवे ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में जो रिपोर्ट्स, जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक अक्षय कुमार अब ऐसी कोई भी प्रयोग आगे चलकर फ्यूचर्स में नहीं करेंगे, ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर अक्षय कुमार का बयान क्या है, इस रिपोर्ट में लिखिए। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज सम्राट की बॉक्स ऑफिस नाकामी ने अक्षय कुमार को हिला दिया है। फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के हवाले से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भविष्य में अक्षय अब किसी तरह के प्रयोग नहीं करेंगे, साथ ही वो एक बार फिर ऐसी फिल्म की तरफ मुड़ जाएंगे जिनमें सिर्फ मसाला हो, कंटेंट नहीं। द्विवेदी ने कहा कि अक्षय ने फिल्म की शूटिंग के दौरान कहा था कि अगर पृथ्वीराज चौहान का बॉक्स ऑफिस अच्छा नहीं रहता है या दर्शक इसे पसंद नहीं करते हैं तो वो फिर से राउडी राठौड़ और हाउसफुल जैसी फिल्मों में लग जाएंगे, प्रयोग करने का जोखिम नहीं लेंगे। उन्होंने बताया कि अक्षय फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी कहते थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह के ऐतिहासिक या कंटेंट फिल्म करने की, लेकिन ये ऐतिहासिक फिल्म नहीं चली तो दुख होगा, हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्षय की अगली फिल्म रक्षाबंधन है, इससे निर्देशक आनंद एल राय है। कहा जा रहा है कि 4 बहनों के एक भाई वाली इस कहानी को अक्षय हर हाल में बड़ी हिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज से पहले उनकी लक्ष्मी बेल बॉटम और बच्चन पांडे एक के बाद एक फ्लॉप रही। कहा गया कि उनका फिल्मों का चयन अच्छा नहीं था। हाल ही में अक्षय की गोरखा और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्म भी बंद होने की खबरें आई थी। फिलहाल देखना होगा क्या सच में अक्षय कुमार ऐसी फिल्मों पर प्रयोग करना बंद करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, यानी मेट्रो मुंबई का टॉप 10 बुलेटिन। कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।